मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना पीनट रिंग्स। इसे हम व्रत में खा सकते हैं और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 उबले मैश किए हुए आलू, 1 कटोरी भीगा हुआ साबूदाना, 2 चम्मच भुनी हुई मूंगफली का चूरा, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और सेंधा नमक। सबसे पहले हम एक बर्तन में डालेंगे 2 उबले मैश किए हुए आलू, 1 कटोरी भीगा हुआ साबूदाना जिसे हमने पानी से धोकर 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था और अभी अच्छे से फूल गया है, इसे हम डाल देंगे। और डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ धनिया पत्ता, 2 चम्मच भुनी हुई मूंगफली का चूरा। हमने पहले मूंगफली को भून लिया था और फिर मिक्सर में पीसकर इस तरह दरदरा चूरा बना लिया है। और डालेंगे आधी छोटी चम्मच सेंधा नमक क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब इन सारी चीजों को मिक्स करते हुए हम इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। ये डो हमारा बनकर तैयार हो गया है, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाथ पर तेल लगाकर हाथ को चिकना करेंगे और आधा चम्मच हम ये मिश्रण को लेकर इसे रोल करते हुए थोड़ा लंबा करेंगे और इस तरह दोनों कोनों को मिलाकर चिपका देंगे। इस तरह रिंग बना लेंगे। ये हमने 2-3 साबूदाना रिंग्स बनाकर तैयार कर लिए हैं, इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे। ये हमने सारे साबूदाना पीनट्स रिंग बनाकर तैयार कर लिए हैं, अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालकर अच्छे से गर्म होने देंगे। आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो घी का यूज भी कर सकते हैं। ये ऑयल अब अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम ये बने हुए रिंग्स को तेल में डालेंगे। हमें बहुत ही आराम से डालना है क्योंकि तेल गर्म है। और डालकर मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम फ्राई होने देंगे। थोड़ी देर बाद इन्हें हम पलट देंगे और इसी तरह अलटते पलटते हुए इन्हें हम क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। ये रिंग्स अब फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी बचे रिंग्स को भी हम इसी तरह डालकर फ्राई कर लेंगे। ये हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाला साबूदाना पीनट्स रिंग्स बनकर तैयार है। आप इसे व्रत में चाय के साथ खाइए, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।